नमस्कार दोस्तों, आचार्य निम्मी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए इष्ट देव का निर्धारण कैसे करें अपने अल्प ज्ञान के आधार पर, इसी विषय पर कुछ बताने जा रही हूँ कि कुंडली के आधार पर हम अपने इष्ट देव का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आइए मैं आपके साथ अपनी कुछ स्लाइड शेयर करती हूँ। जी, इष्ट देव का निर्धारण, उससे पहले हम जाने कि पूजा के समय हमें क्या किस प्रकार से करनी चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। पूजा के समय व्यक्ति का मुख किस दिशा में होना चाहिए? तो ये बहुत बार लोगों का प्रश्न होता है कि हम मंदिर किस साइड रखें, किस तरफ मुंह करके बैठे, कौन सी दिशा की तरफ। तो पूजा करते समय जो भक्त है उनका मुख किस दिशा में हो, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो लोगों को बहुत लोगों बार नहीं पता होता। तो पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। इस दिशा में मुख करके पूजा करने से पूजा का फल उत्तम तथा शत प्रतिशत मिलता है। अब दशा के लिए, दिशा कैसे निर्धारण होती है? बहुत से लोगों को जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे हैं उनको भी इतना नहीं पता होता कि हमारी डायरेक्शन जो घर की है वो किस साइड है। तो उसके लिए बहुत आसान सा तरीका है कि जिस दिशा से सूर्य उदय होता है वह दिशा आपकी पूर्व दिशा होती है। तो सुबह उठ के देखें आपका सूर्य घर से किस साइड में उदय हो रहा है, वही साइड आपकी पूर्व दिशा है। और पूर्व के जो आपके बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होगी और उसका कॉर्नर ही जो होगा पूर्वी उत्तर कॉर्नर होगा। आपके सीधे हाथ पे दक्षिण दिशा होगी और आपकी पीछे की साइड में पश्चिम दिशा होगी। तो हमारी जो मूर्ति होगी उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा और जो भक्त पूजा करते हैं उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा। यदि उत्तर दिशा पूरी तरीके से संभव ना हो तो पूर्व या उत्तर, पूर्वी उत्तर की तरफ मुख करके, यानी जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ मुख करें या उसके थोड़ा सा बाईं तरफ मुख करके। तो ये आपके घर की बनावट के हिसाब से आप अपने पूजा स्थल को किस दिशा में मूर्ति को रखें उसका निर्धारण कर सकते हैं। अब कुंडली में भक्त और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए अधिकांश के मन में यह प्रश्न उठते रहते हैं कि मेरा इष्ट देव कौन है और हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। किसी भक्त के शिव प्रिय हैं, तो किसी के विष्णु है, तो कोई राधा कृष्ण का भक्त है, कोई हनुमान जी का भक्त है, और कोई तो सभी देवताओं की पूजा कर लेता है कि एक बार तो चलो सभी को सिमरन कर लो। लेकिन कहते हैं ना कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी किसी एक को यदि आप मना लो, किसी भी एक देवता को आप मान लो, उसको मना लो, तो सभी देवी देवता सध जाते हैं। लेकिन आप सभी को मनाने जाओगे तो कोई ना कोई रूठा रहेगा, किसी ना किसी देवता से आपको लगेगा, डर लगेगा कि अरे ये देवता मेरा काम ना करे, आज मैं इसकी पूजा कर दूं, आज ये देवता मेरा काम ना करे, आज मैं इसकी पूजा कर दूं। तो जैसा कि हमें सभी को पता है कि अपने अभीष्ट देवता की साधना और पूजा अर्चना करने से हमें शीघ्र ही मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। यानी आप किसी भी एक देवता की पूजा करें और यदि वो देवता आपके इष्ट देव बनते हैं तो उनकी पूजा करने से आपकी मन की कामना, आपके सभी कार्य बिना विघ्न के शीघ्र ही पूर्ण होते हैं।
जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, हम अपने अभिष्ट देवी देवता को मंत्र के माध्यम से अपने पास बुलाते हैं और फिर आवाहन करने पर देवी देवता उस स्थान विशेष तथा हमारे शरीर में आकर विराजमान होते हैं। अब इसको समझिए, आप रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं यदि, या सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो या हमने कोई पूजा रखी है या पूजा करते हैं, तो एक विशेष स्थान पे आप उस देवी देवता, चाहे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान मंत्र, सूर्य की पूजा करते हैं तो सूर्य मंत्र, श्री राम की पूजा करते हैं तब भी गायत्री मंत्र या राम सूर्य मंत्र की जाप करते हैं, तो ये उनका आवाहन होता है। उस वक्त उन देवी देवताओं को हमारे उस पूजा स्थान पर विराजमान होना पड़ता है, क्योंकि हम सच्चे मन से अगर उन्हें बुलाते हैं तो वह वहां आते हैं। एक और बात कि जब हम पूजा करें तो अपने पूजा करने का समय ये जरूर निर्धारित करें। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुबह पूजा करने का समय नहीं मिलता तो वो शाम को पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने का समय यदि आपका एक ही है, चाहे आपने सुबह करनी है, दोपहर को करनी है, शाम को करनी है, लेकिन पूजा का समय आपका एक निर्धारित है, तो वो ईश्वर भी उस समय उस स्थान पर विराजमान होते हैं कि मेरा भक्त आने वाला है, मेरी पूजा अर्चना करने वाला है, वे इस वक्त मेरे ध्यान में आने वाला है, यानी मुझे उस भक्त के पास जाना है, उसकी पुकार सुननी है। तो ये बहुत जरूरी है, आप जब भी पूजा करें अपने पूजा करने का समय अवश्य निर्धारित करें और कोशिश करें कि आप अपनी पूजा उसी समय पे जरूर शुरू करें। वास्तव में सभी देवीय शक्तियां अलग अलग निश्चित चक्र में हमारे शरीर में पहले से ही विराजमान होती हैं, तभी तो हम अपने चक्र को जागृत करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में तो हैं, हमें उन्हें जागृत करना होता है। तो आज हम पूजा अर्चना के माध्यम से ब्रह्मांड में उपस्थित देवीय शक्ति को अपने शरीर में धारण कर शरीर में पहले से विद्यमान शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा वो दैवीय चक्र शुरू हो जाता है और हमारे शरीर में उस दैवीय चक्र के शुरू होने पर ईश्वर से हमारा सीधा संपर्क सध जाता है। इस प्रकार से शरीर में पहले से स्थित ऊर्जा जागृत होकर अधिक क्रियाशील हो जाती है और इसके बाद हमें सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इष्ट देव या देवी का निर्धारण हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों से होता है। ज्योतिष में पंचम भाव जो है वो पूर्व जन्म के संचित धर्म का भाव है, कर्म का भाव है, ज्ञान का भाव, बुद्धि, शिक्षा, भक्ति और इष्ट देव का बोध भी हमें यहीं से होता है। यही कारण है कि अधिकांश विद्वान इस भाव के आधार पर इष्ट देव का निर्धारण करते हैं। और नवम भाव जो हमारी कुंडली का धर्म भाव है, वहां से हमारे उपासना के स्तर का ज्ञान होता है। उपासना यानी हम जो धर्म करते हैं उसका कितना पालन करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, हम अपने धर्म का पालन। अब धर्म की व्याख्या आप जानते हैं सबकी डिक्शनरी में अलग अलग है। जरूरी नहीं कि धर्म केवल वही है कि मंदिर में जाके बैठ गए या पूजा स्थान में बैठ गए और केवल पूजा की, या सिर्फ दान दिया, या केवल व्रत रख लिया। उपासना करने का मतलब हर एक का अलग है, धर्म करने का मतलब सबका अलग है। कोई किसी गरीब की सेवा करके, कोई किसी की मदद करके, कोई किसी जरूरतमंद को खाना खिलाकर या किसी को पढ़ाकर या किसी के दुख दर्द में शामिल होकर उस तरीके से धर्म का पालन करता है।
और धर्म का पालन आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा सही मार्ग का चयन करें, गलत रास्ते पर ना जाएं। चाहे व्यक्ति खाने पीने वाला हो, लेकिन यदि वह गलत मार्ग पर नहीं जाता तो वह धर्म का पालन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रहों के अवतार, हमारे जो जितने भी ग्रह हैं, उन्होंने किसी ना किसी रूप में अवतार लिए हैं, क्योंकि कहते हैं वासुदेव जी के अनेक अवतार हैं, लेकिन सभी प्राणियों को कर्म फल देने वाले ग्रह रूप अवतार जो मुख्य हैं, वो सूर्य से राम अवतार है, चंद्रमा से कृष्ण अवतार है, क्योंकि उन्हें चंद्रवंशी कहा जाता है। श्री राम जी को सूर्यवंशी और श्री कृष्ण जी को चंद्रवंशी माना गया है। मंगल नरसिंह अवतार है और बुध बुद्धा अवतार माने जाते हैं। गुरु वामन अवतार के रूप में, ब्राह्मण के रूप में पूजे जाते हैं। शुक्र श्री परशुराम अवतार के रूप में, शनि पूर्णा अवतार के रूप में, राहु वराह अवतार के रूप में और केतु मत्स्य अवतार के रूप में माने जाते हैं। इन ग्रहों के अवतार जो हैं, सूर्य से यदि हो तो विष्णु तथा राम जी के अवतार आए हैं, विष्णु और राम जी। चंद्रमा से श्री शिव जी, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के माथे पर विराजमान है। चंद्रमा अगर आपका पंचम से संबंध रखे तो शिव जी, पार्वती और श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि मंगल हो पंचम भाव में तो हनुमान, कार्तिकेय, स्कंद की पूजा करनी चाहिए। स्कंद कार्तिकेय को भी बोला जाता है और स्कंद माता, इनमें पार्वती माता की भी पूजा मानी गई है। बुद्ध अवतार के लिए माँ दुर्गा और श्री गणेश जी की पूजा अति उत्तम रहती है। बृहस्पति के अवतार के हो, यानी बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी हो, तो ब्रह्मा, विष्णु और वामन, इनकी पूजा, वामन यानी ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को का आदर सत्कार करें, तो आपको इससे अत्यंत लाभ मिलता है। शुक्र ग्रह की पूजा अगर आप करते हैं, यानी शुक्र आपका बलि है, पंचम भाव में स्थित है, तो माँ लक्ष्मी और माँ गौरी की पूजा आपको अति लाभ देती है। शनि का पंचम भाव से संबंध हो तो भैरव, यम, हनुमान जी और कूर्मा अवतार की पूजा आपको अति लाभदायक फल देती है। राहु यदि पंचम भाव में स्थित हो तो माँ सरस्वती की पूजा अवश्य करें, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव भी है और राहु बुद्धि को हरने वाला है। तो अपनी बुद्धि को ठीक रखने के लिए, अपनी वाणी पर कंट्रोल करने के लिए और अपनी जो सोच है, क्योंकि पंचम भाव आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी सोच वहां से उत्पन्न होती है जो आपको काम काज में लाभ देती है, तो उसके लिए माँ सरस्वती, शेषनाग जी की पूजा और भैरव पूजा भी आपको लाभ देती है। केतु यदि पंचम में बैठा हो तो श्री गणेश जी की पूजा अवश्य करें और मत्स्य अवतार के लिए उनकी भी आराधना करें। अब पंचम भाव में जो राशि हो, क्योंकि हमारे सभी ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर दो दो राशियों के स्वामी हैं, तो उन दो राशियों के स्वामी जो ग्रह है उनका निर्धारण कैसे करें कि कौन सी राशि, कौन सा ग्रह और कौन से ईश्वर की, इष्ट देव की हम पूजा करें। यदि कुंडली में मेष लगन उत्पन्न हो रहा हो तो आपके पंचम भाव में सूर्य की सिंह राशि आती है। सूर्य यानी श्री विष्णु जी और सूर्य की भी पूजा आपको अति लाभ देती है। इसका मतलब है कि पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर सूर्य
आपके लिए बहुत उत्तम फल देने वाला हो सकता है। यदि वे पीड़ित अवस्था में है तो अपने सूर्य की पूजा करके या श्री विष्णु जी की पूजा करके, श्री राम जी की पूजा करके आप अपनी पढ़ाई और अपने कार्य को, जिस भी कार्य को आप सफल करना चाहते हैं, उनको सफल कर सकते हैं। क्योंकि आपके इष्ट देव सूर्य और श्री विष्णु जी आते हैं। यदि कुंडली में वृषभ राशि हो तो कन्या राशि आपकी पंचम भाव में आती है। कन्या राशि के स्वामी बुध और बुध यहाँ पे गणेश जी के अवतार माने गए हैं। कन्या क्योंकि ये स्थिर भाव की राशि है तो श्री गणेश इसके लिए अति उत्तम है कि आप श्री गणेश जी की और माँ सरस्वती की भी पूजा करें, क्योंकि बुध यहाँ पे फिर से वही बुद्धि का कारक आ जाता है। यदि मिथुन राशि लगन में हो तो तुला राशि आपकी पंचम भाव में होगी। पंचम भाव की राशि तुला होने पर माँ सरस्वती, माँ तारा और माँ लक्ष्मी की पूजा आपको अति लाभदायक फल देगी, जो आपके इष्ट देव का निर्धारण करती है। यानी आपके इष्ट जो होते हैं वो देवियां हैं, आपके इष्ट आपकी देवियां बन जाती हैं। एक बार और कि आपके जो पंचम भाव की राशि होती है अपने नवम भाव की राशि को भी देखें। यानी जैसे मैंने बोला कि मिथुन राशि आपके लगन में है तो पंचम भाव में आपके तुला राशि होगी, तो नवम भाव में जो धर्म का त्रिकोण बनता है वहां शनि की कुंभ राशि होगी। ये धर्म त्रिकोण जो बनता है यानी पूर्व जन्म के कर्मा से आप आए और आपके इस जन्म का धर्म और पूर्व जन्म का भाग्य आप स्वयं बनते हो। अपना भाग्य आप अपने इष्ट देव से बनाते हो और अपने उपासना करने का जो इस जन्म में आपका धर्म का निर्धारण हुआ है उसका पालन करने के लिए आपको शनि की भी पूजा करनी पड़ेगी यदि मिथुन राशि हो। अब अगर हमने बात की मिथुन की तो उससे पहले मैंने मेष और वृषभ का बताया। तो हमारा धर्म त्रिकोण जो बनता है यदि मेष राशि हो तो 1/5 यानी मंगल, सूर्य और बृहस्पति, क्योंकि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। अब 1/5 आप देखें तो मेष राशि में सूर्य उच्च का, तो उच्च सूर्य से तो आपका कनेक्शन सीधा सीधा बन गया। सूर्य के जो शिष्य है हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ने उन्हीं से शिक्षा ली है, इसका मतलब है कि आपको हनुमान जी की पूजा भी बुद्धि में वृद्धिदायक होगी, क्योंकि आप सूर्य की पूजा करते हैं साथ ही हनुमान जी की, तो आपकी बुद्धि को बढ़ाने में हनुमान जी सहायक होंगे। और यदि धनु राशि हो वो भी धनु राशि के लिए भी, क्योंकि हनुमान जी ही आपकी सहायता करेंगे। उनके जो स्वामी है धनु के बृहस्पति वामन रूप में, तो यहाँ हनुमान जी भक्ति के रूप में आपके लिए लाभदायक होंगे। हनुमान जी की भक्ति आपको लाभदायक देगी और सूर्य की इष्ट देव के रूप में पूजा आपको अति लाभ देगी। इसी प्रकार से 2/6/10 यानी टॉरस लगन होने पर पंचम भाव की राशि कन्या और मकर राशि शनि की मकर पूर्णिमा अवतार की राशि, मकर राशि के जो स्वामी है शनि है, यानी आपको शिव जी की पूजा भी लाभ देगी। गणेश जी के जो पिता शिव जी जो धर्म के पालक है, तो शिव जी की आराधना और गणेश जी की पूजा, इष्ट देव की पूजा, यह आपको अति लाभदायक होगी। अब लगन में वृषभ राशि है, उसके स्वामी शुक्र है, तो यदि आप गणेश और शिव जी की पूजा करते हैं
तो माँ पार्वती की पूजा भी साथ में करें, जो अन्नपूर्णा के रूप में आपके घर में धन धान्य देगी। 3, 7, 11 मिथुन राशि का मैंने बता दिया। अब आते हैं 4, 8, 12 यानी कर्क राशि यदि लगन में है तो वृश्चिक राशि आपकी पंचम भाव में। पंचम भाव में वृश्चिक राशि हनुमान जी की राशि है, तो वृश्चिक राशि के लिए आपको हनुमान जी की ही पूजा करनी है। और 12 यानी धर्म भाव आपके बृहस्पति है, इसलिए शिव जी की रुद्र अवतार की पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो रुद्र अवतार शिव जी के ही अवतार, उनकी आराधना, शिव जी की पूजा और उनकी आराधना आपको अति लाभ देगी। और दूसरी बात, शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, यह चंद्रमा जो आपके जीवन को आयु देता है, यानी अगर आप धर्म के सही मार्ग पर चलते हैं तो आपकी आयु, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अब आते हैं सिंह राशि पे। सिंह राशि यदि लगन में होगी तो 1, 5, 9 के आधार पर 5, 9, 1 हो जाएगा। 5, 9, 1 मतलब लगन में सिंह राशि, पंचम भाव में धनु राशि, और आपके अब जो धर्म की राशि हो गई वो मेष हो गई। अब आपके इष्ट देव जो हो गए वो धनु राशि वाले हो गए, क्योंकि हमारी सिंह राशि लगन में है, धनु राशि पंचम में है, तो यहाँ धनु के स्वामी बृहस्पति और बृहस्पति के इष्ट देव भी शिव जी हैं, तो शिव जी की पूजा आपके लिए अति उत्तम होगी। शिव जी आपके इष्ट देव बनते हैं, और यहाँ पे मेष राशि के स्वामी हनुमान जी, उनकी आराधना, उनकी उपासना आपको लाभ देती है धर्म के मार्ग पर चलने के लिए। अब हम आते हैं कन्या राशि। कन्या राशि यदि लगन में हो तो हमारा 6, 2, 6, 10 का ट्राइंगल धर्म त्रिकोण परिवर्तित होके 6, 10, 2 हो जाता है। 6 कन्या लगन, 10 पंचम भाव, और वृषभ राशि हमारी धर्म भाव की, यानी हमारे इष्ट देव जो हुए वो भैरव, हनुमान जी और काली माता भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारा मकर राशि धर्म भाव की है। आप उनकी उपासना करें, ठीक है। 2, 6, 10 सॉरी मकर राशि धर्म भाव की नहीं, पंचम भाव की होती है। पंचम भाव में मकर राशि यानी स्वामी उनके शनि है, तो इष्ट देव आपके हनुमान जी, माँ काली या भैरव जी बनते हैं। और आपके जो धर्म भाव है वहां शुक्र विराजमान है वृषभ राशि के, तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी आपको लाभ देगी, क्योंकि यहाँ पे वृषभ राशि के स्वामी शुक्र बैठे हैं, और लगन में कन्या राशि होने पर आपको बुध के लिए गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए या श्री विष्णु जी की पूजा भी करनी चाहिए। अब आते हैं तुला पर। तुला लगन हो तो हमारा धर्म त्रिकोण परिवर्तित होके 3, 7, 11 से 7, 11, 3 हो जाता है। 7, 11, 3 मतलब तुला राशि लगन में, शनि की कुंभ राशि पंचम में, और आपके शुक्र की राशि जो है वो धर्म भाव में। दोस्तों आप एक चीज देखिए, शुक्र, बुध और शनि, इन तीनों का धर्म त्रिकोण हमेशा रहता है, और मंगल, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, इनका धर्म त्रिकोण एक अलग रहता है, यानी
चंद्रमा की राशियों का के साथ भी बृहस्पति का और मंगल का धर्म त्रिकोण होगा। सूर्य का भी अगर लग्न में आती है तो बृहस्पति और मंगल आपके धर्म त्रिकोण में होंगे, लेकिन यदि बुध शनि या शुक्र में से कोई भी राशि आपके लग्न में आती है तो आपका धर्म त्रिकोण और आपका धर्म जो है वो बुध और शनि से रिलेटेड होगा। तो तुला राशि यदि लग्न में है तो आपके कुंभ राशि पंचम भाव में और आपकी बुध की राशि मिथुन वह आपकी धर्म भाव में आएगी। इसलिए आपको मिथुन के लिए गणेश जी की पूजा करनी ही करनी है, यानी इस त्रिकोण के आने पर आपको गणेश श्री शनि जी के और शुक्र से रिलेटेड ईश्वर की आराधना और पूजा करनी है। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक मंगल की राशि, यानी ये हमारा धर्म त्रिकोण होगा 4-8-12 का, वही मंगल बृहस्पति और 8वीं राशि आपकी अगर आती है तो कर्क राशि आपकी पंचम भाव में होगी। तो वृश्चिक राशि के लगन वालों के लिए पंचम में क्योंकि कर्क राशि है तो शिव जी उनके इष्ट देव बनते हैं। यहाँ पे हनुमान जी भी जो है वो शिव जी को बहुत पूजनीय है और बृहस्पति जी को शिव जी पूजनीय है और चंद्रमा के लिए भी शिव जी पूजनीय है। तो शिव आपके परम इष्ट बनते हैं। शिव जी की किसी भी रूप में आप पूजा करें, उनके किसी भी अवतार की पूजा करें, वह आपके लिए अति लाभदायक होगी। साथ ही आपके कष्ट निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा भी बहुत लाभदायक रहेगी। और ब्राह्मणों का सम्मान, अपने बुजुर्गों का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान और साथ ही अपने शिक्षक माता पिता का सम्मान अगर आप करते हैं तो आपको किसी भी धर्म के मार्ग से कैसे भी चल रहे हो आप कभी डिग नहीं सकते, क्योंकि धर्म भाव पर यदि बृहस्पति की राशियां आती हैं तो आपका धर्म बनता है कि पंचम भाव पिता का, पंचम भाव शिक्षक का, पंचम भाव आपके धर्म गुरुओं का, आपके अपने गुरुओं का भाव है। यदि आप उनका सम्मान करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप धर्म की राह पर चलते हैं। अब आते हैं धनु राशि पर। धनु यानी कि हमारा धर्म त्रिकोण 1-5-9 परिवर्तित होकर 9-5-1। धनु राशि यदि लगन में है तो सिंह राशि आपकी पंचम भाव में और मंगल की मेष राशि आपके धर्म भाव में। तो आपको हनुमान जी की आराधना उपासना अति लाभदायक देती है। मेष राशि सॉरी धनु राशि लगन में हो तो मेष राशि पंचम में और सिंह की राशि सूर्य की राशि आपके धर्म भाव पर, तो इसलिए आपको हनुमान जी की पूजा, उनको इष्ट देव के रूप में पूजा और सूर्य की आराधना, सूर्य को जल दे और पिता का सम्मान विशेष रूप से, क्योंकि धर्म भाव पर आपके ग्रहों के राजा की राशि आई है। ग्रहों का राजा सूर्य जो सबको पालन पोषण करने के लिए अपना प्रकाश देता है। यदि आप सूर्य की पूजा करते हैं तो अपने पिता का सम्मान भी अवश्य करें, अपने गुरुओं का सम्मान अवश्य करें। गुरुओं का सम्मान, पिता का सम्मान, चाहे यहाँ पे सूर्य की राशि सिंह हो, चाहे मेष राशि हो या धनु राशि हो या मीन राशि हो, धर्म भाव पे आपको अपने गुरुओं का सम्मान अवश्य करना है, अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना है। अब आते हैं मकर राशि पे। मकर राशि हमारी जो परिवर्तित होती है 2-6-10 से, और मकर यदि वहां पर है तो आपकी वृषभ राशि आती है पंचम भाव में, जिसके कारण
आपको माँ सरस्वती, माँ तारा, माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, क्योंकि वृषभ के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपको ऐश्वर्य प्रदान करती है। ऐश्वर्य वो बुद्धि का भी दे सकते हैं, वो ऐश्वर्य आपको पंचम भाव से संबंधित हर तरीके का दे सकते हैं। पंचम भाव आपका मंत्र साधना सिद्धि का भी है, तो मंत्र साधना सिद्धि के लिए आपको माँ काली की पूजा भी बहुत लाभदायक होगी यहाँ पे, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि है और माँ काली की पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक होती है। और आराधना करने के लिए कन्या, क्योंकि आपकी धर्म भाव की राशि है, तो गणेश के साथ साथ मां सरस्वती की आराधना आपको बहुत लाभदायक उपाय है कि आप मां सरस्वती की पूजा करें, आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। आप मां समान व्यक्तियों की पूजा करें, बड़े बुजुर्गों को उनको सम्मान दे, उनके लिए कुछ भी आप अगर अच्छा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी जरूरत की चीजों को पूरा करते हैं। जैसे कुछ लोग, बुजुर्ग लोग जो एनजीओ में लोग छोड़ आते हैं अपने माता पिता को, या जिनका कोई नहीं होता, अगर आप उनकी सेवा करें तो आपको यह मकर राशि, क्योंकि शनि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी माता का कभी अपमान नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, स्पेशली माता का। तो स्त्रियों की, अगर आप स्त्रियों को सम्मान देते हैं, तो मकर लगन वालों के लिए या कुंभ लगन वालों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा। फायदेमंद तो कहना गलत है, क्योंकि अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा हम किसी लाभ के बजाय अगर हम मानसिक रूप से करें तो आपको ज्यादा लाभ देती है, आपके मन को मानसिक शांति देती है, आपके कार्य अपने आप बनते चले जाते हैं। यदि कुंभ राशि लगन में हो तो 3, 7, 11 यानी वायु तत्व का धर्म त्रिकोण बनता है। वायु तत्व का धर्म त्रिकोण है तो मैं ये कहूंगी कि आपको जो पूजा करनी है उसमें आपको बोल के यदि आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपके वायु में जितना भी आपका वातावरण है, बोलने से या सुनने से आपके लिए वो वातावरण ही बहुत अच्छा हो जाता है, वो ऑरा बड़ा अच्छा बन जाता है। और कुंभ राशि यदि लगन में है तो मिथुन राशि आपके पंचम भाव में है, ड्यूअल साइन है, यानी आपके इष्ट देव जो बनते हैं वो गणेश जी बनते हैं, बुध के अवतार गणेश जी। और मिथुन के साथ तुला राशि आपके पंचम भाव में आती है तो आपको माँ पार्वती की पूजा बहुत लाभदायक होने वाली है। माँ पार्वती और शिव जी की आराधना कीजिए, यह आपके लिए बहुत उत्तम होगा। उनकी पूजा आराधना बहुत उत्तम फल देती है, क्योंकि 3, 7, 11, 11, 7, 3 या 7, 3, 11 या 7, 11, 3 ये जो धर्म त्रिकोण है इसमें आप गणेश जी की पूजा, आप इष्ट देव देखिए, पंचम भाव की राशि जो है उनके अवतार आपके इष्ट बनते हैं, और जो धर्म भाव की राशि है उनकी उपासना, उनकी आराधना या उनसे संबंधित व्यक्ति का सम्मान आपके लिए अति लाभदायक रहता है। आप रिश्तों में भी देखें तो, क्योंकि वो धर्म का निर्वाह कराती है, वो धर्म के लिए बनी है, वो आपके धर्म को सही रास्ते पर चलाने के लिए है, वो आपके इस जन्म का धर्म का कर्मा भी है, क्योंकि धर्म के बाद ही कर्म आता है। अब आते हैं मीन राशि पे। मीन राशि यदि लगन में हो, ये 4, 8, 12 का धर्म त्रिकोण है, 4, 8, 12 या 8, 12, 4 या 12, 4, 8, क्योंकि यदि मीन राशि लगन में है तो कर्क राशि पंचम में और वृश्चिक राशि आपके नवम भाव में, इसलिए आपको
माँ दुर्गा, सीता या किसी देवी की आराधना जरूर करनी है। मीन राशि जो है वो ड्यूअल साइन है, तो आपको डबल लाभ अगर चाहिए तो आपको पूजा और आराधना दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। शिव जी की पूजा के साथ आपको माँ पार्वती की पूजा भी करनी है। मंगल के हनुमान जी की पूजा के साथ आपको हनुमान जी के अन्य अवतारों, रुद्र अवतार, शिव जी के, उनके इष्ट देव की पूजा भी करनी है। और मीन क्योंकि उनके स्वामी बृहस्पति ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार भी करना है। वैसे भी मीन राशि जो यदि लगन में है तो व्यक्ति में बड़ा ठहराव होता है, तो ऐसे व्यक्ति में एक ऑरा जो होता है वो एक ऐसा होता है कि लोग उनका सम्मान वैसे ही बहुत करते हैं, और यदि वो भी अपने कार्यकलापों में इस तरीके की चीजें शामिल कर ले कि सबका सम्मान करें और अपने इष्ट देव की आराधना, शिव जी की आराधना करें, माँ पार्वती की पूजा करें। साथ में माँ पार्वती की पूजा अवश्य करनी है क्योंकि शिव और शक्ति का अवतार है, तो शिव शक्ति की जब तक पूजा नहीं होगी पंचम भाव से आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये हमने बताया इष्ट देव के कैसे निर्धारण होते हैं। अब हम जाते हैं पूजा से संबंधित कुछ बातें जिनके लिए हमें जानना आवश्यक है कि इष्ट देव का चयन तो हमने कर लिया, पूजा कैसे करनी है, देवी देवता का निर्धारण कैसे होना है, ये सब हमने देख लिया। अब पूजा से संबंधित कुछ बातें जिनका ध्यान रखना आवश्यक है कि घर में तीन गणेश नहीं होने चाहिए। तीन गणेश का अर्थ है एक ही जगह, एक ही मंदिर में तीन गणेश नहीं हो, क्योंकि अक्सर लोगों के घर में गणेश जी तो लोग एक जिसको कहते किसी को गिफ्ट के रूप में भी मिल जाते हैं, और गणेश जी ही ऐसे हैं जिन्हें आप सजावट के रूप में भी जैसे एक रखते हैं या एक घर में कहीं भी, तो तीन से ज्यादा आपके घर में होते हैं। फिर भी मैं कहूंगी पूजा स्थल पर तीन से ज्यादा गणेश जी ना रखें। तीन देवी की प्रतिमा दो होती ही है, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा। माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा, तीन देवियां हैं, तो ये जो मान्यता है वो गलत है कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूजा में इनका उचित स्थान होना चाहिए। दो शिवलिंग नहीं होने चाहिए, दो शंख नहीं होने चाहिए, और सूर्य की दो प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। सूर्य की दो प्रतिमा होने से वो प्रकाश जो है वो एक नेगेटिविटी फैला देता है, क्योंकि वो उसी में समाहित हो जाता है। दो शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए, इससे मानसिक अशांति फैलती है और आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पूजा स्थान का जो रंग है वो सफेद या हल्का क्रीमी होना शुभ है, जिससे आपका मानसिक जो ठहराव है वो पूजा स्थल में एक बनता है, क्योंकि यदि कलरफुल पूजा का कमरा होगा तो आपका ध्यान भटकेगा, यदि हल्का रंग होगा तो वहां पे शांति प्राप्त होगी। भगवान की फोटो या मूर्ति नृत्य कोण में नहीं रखनी चाहिए, यदि ऐसा आप करते हैं तो आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। पूजा स्थल आकार में चकोर या गोल होना शुभ होता है। पूजा स्थान की भूमि उत्तर पूर्व की ओर झुकी हुई तथा दक्षिण पश्चिम से ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम की ओर नहीं झुकी हुई होनी चाहिए, पश्चिम में सूर्य डूबता है। मंदिर के स्थान की स्थिति हमेशा कल्याणकारी होती है। घर के मंदिर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। कुछ लोग जो बाजार से मंदिर खरीद के लाते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मंदिर की ऊंचाई है वो उसकी चौड़ाई से लगभग दोगुनी हो, और मंदिर के परिसर का फैलाव ऊंचाई से यदि 1/3 के अनुपात में होता है तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। सोने के कमरे में यानी अपने शयन कक्ष में पूजा स्थल बनाना अच्छा नहीं होता है, परंतु आजकल छोटे छोटे घर हैं, लोगों के पास जगह का अभाव है, और जगह के अभाव में यदि शयन कक्ष में ही मंदिर बनाना पड़े
तो मंदिर के चारों ओर पर्दे लगा दे और शयन कक्ष के उत्तर पूर्व में पूजा स्थल वहां पे लगा दे। एक चीज और, पूजा का जब आप पर्दे खोलते हैं पूजा के लिए, तो शयन कक्ष आपका सिमटा हुआ होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके बिस्तर सिमट जाए, नहा धोकर साफ सुथरी जगह करके फिर ही उस मंदिर में आप दिया जलाएं। होता क्या है, कई बार लोग अगर आप शयन कक्ष में मंदिर बना रहे हैं तो जिसको पूजा करनी है, जैसे गृहिणी को पूजा करनी है, तो पतिदेव साइड में सोए हुए हैं और वो पूजा कर रही हैं, लेकिन ये उचित नहीं। पूजा स्थल अगर आपको अपने शयन कक्ष में बनाया हुआ है तो आप अपने शयन कक्ष को पूरी तरह समेट दें और फिर पूजा करें। ब्रह्मा विष्णु शिव सूर्य और कार्तिकेय गणेश दुर्गा की मूर्तियों का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, मुख पश्चिम दिशा की ओर, और कुबेर भैरव का मुख दक्षिण की तरफ हो, हनुमान का मुख दक्षिण या नैऋत्य कोण की तरफ होना शुभ होता है। घर में एक बित्ते से अधिक बड़ी पत्थर की मूर्ति स्थापना करने से गृह स्वामी को संतान कष्ट की बड़ी संभावना बनी जाती है। संतान कष्ट जिनको होता है तो वो अपने घर में देखें कि क्या उनके घर में बहुत बड़ी पत्थर की मूर्तियां हैं, और पूजा घर भी शौचालय के बिल्कुल नीचे या ऊपर या बिल्कुल उसके दीवार के पीछे ना हो, इतना ध्यान अवश्य रखें। अब जाप करने के कुछ नियम हैं। वाम यानी बाएं नासिका छिद्र से श्वसन क्रिया हो तब मंत्र सुप्त अवस्था में होता है। इसके विपरीत दाएं यानी दक्षिण नासिका छिद्र से श्वसन क्रिया हो तो मंत्र जागृत अवस्था में होता है। इसलिए मंत्र जागृत अवस्था में ही करना चाहिए, यानी जब आप जागे हुए हो, आपकी दाई नासिका चल रही हो, तो जाप करना अति लाभदायक सिद्धिदायक होता है। सुप्त अवस्था में जाप सिद्धिदायक नहीं होता। किसी भी मंत्र जाप के पहले और अंत में ओम का पुल होना आवश्यक है। ओम का पुल यानी यदि आप कोई भी मंत्र जाप करते हैं उससे पहले ओम अवश्य बोले, मंत्र जाप खत्म हो जाए तब भी ओम अवश्य बोले, यानी आपने ऐसे एक पुल बनाया जिसके इस तरफ ओम रखा, इस तरफ ओम है और बीच में वो मंत्रा है। अदरवाइज क्या होता है कि वो मंत्र आपने बोला और मंत्र बहते पानी की तरह बह गया। तो यह एक तरीका है, मे भी मैं गलत हो सकती हूँ, कुछ लोगों को ये गलत भी रह सकता है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा जरूर करें। मोक्ष की कामना करने वालों को 27 दानों की माला पर जाप करना चाहिए, जो लोग मोक्ष की कामना रखते हैं। जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं उनको 15 दानों की माला पर जाप करना चाहिए, और जो सभी प्रकार से तंत्र कर्म करते हैं, जो ब्राह्मण है पंडित है कार्य करते हैं, जो अन्य कार्य जो वैवाहिक रूप से करवाते हैं या जो भी कर्म कांड कराते हैं, उनको 108 दानों की माला सर्वोत्तम मानी गई। उनको 108 दानों की माला पर कार्य करना चाहिए, जाप करना चाहिए। धन्यवाद, आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। मेरा बहुत ही अल्प ज्ञान है इस बारे में, बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर कुछ मैं दे पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप अपने व्यूज अवश्य दें, आपके व्यूज का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।